आपने बोला था ना अब की बार 400 पार बोला था। खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया सर। आपको हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहा। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर। हम इसलिए आपको आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है आप अंदर में। मित्रों मनोज तिवारी एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता है। वो संसद के अंदर अपनी बात रख रहे थे, उनकी आवाज भी बड़ी मीठी है, अच्छे गायक भी हैं। उन्होंने टीएमसी के सांसद जिन्होंने की बड़ी बदतमीजी से जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया था पिछली लोकसभा सत्र में, उन्होंने कंगना रनावत पर एक टिप्पणी की थी बिना नाम लिए कि बड़ी सुंदर एक्ट्रेस आई है पर उसको भी हम नहीं देखते। ये जो टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी का जवाब जब मनोज तिवारी ने दिया तो कैसी खलबली मच गई पूरे विपक्षी खेमे में। और जब मनोज तिवारी का भाषण चल रहा था उस समय जब प्रधानमंत्री का प्रवेश होता है संसद के अंदर तो किस तरह का माहौल था, पूरा वीडियो देखिएगा। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। मैं इस सदन में तीसरी बार आया हूं और मैं दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें तीसरी बार चुन के भेजा। और सिर्फ हमें ही नहीं भेजा बल्कि हमारे दिल्ली के सात लोगों को तीसरी बार जिता करके भेजा है। हम सभी यहां सांसद खड़े हैं, जरा इन संरक्षण करें अध्यक्ष जी। मात्र मुझे ही नहीं भेजा बल्कि हमारे सात के सात सांसदों को तीसरी बार भेजा और नरेंद्र मोदी जी में वो विश्वास दिलाया। आज तक दिल्ली में नया इतिहास बना, कभी तीसरी बार सात सांसद 7-0 से जीत के आए ही नहीं। ये विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति। और मैं पूरी दिल्ली के सहित अपने लोकसभा के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब 2014 में आए थे इस सदन में तब हम एक दूसरी दुनिया से आए थे और जब हम सदन में घुसने जा रहे थे जब मेरी नजर पड़ी कि देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे एक व्यक्ति जिन सीढ़ियों से लोग चप्पल जूते पहन के जा रहे थे, अचानक हमने देखा वो नरेंद्र मोदी जी उन सीढ़ियों पर माथा रख के झुक गए थे। हमारे जैसे लोग जो किसी और दुनिया से राजनीति में आते हैं उनके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल था। मैंने अध्यक्ष जी मोदी भारत माता की। अध्यक्ष जी जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो हमने देखा देश के होने वाले प्रधानमंत्री उन सीढ़ियों पर माथा रख के आगे बढ़ रहे थे। जब हम दूसरी बार माननीय अध्यक्ष जी जब हम दूसरी बार 2019 में जब हम संसद में आए
तो हमने देखा देश के प्रधानमंत्री पद पे आ रहे नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को ऐसे माथा झुका करके प्रणाम किया। वो दृश्य हमारे लिए और मैं समझता हूं मेरे सभी साथियों के लिए, हाथ में संविधान लेना भी ठीक है लेकिन संविधान लहराना और संविधान की पूजा करना दोनों में अंतर है। हमने नरेंद्र मोदी जी को संविधान की पूजा करते हुए देखा है, इसलिए मैं बड़े ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद मैं जब दिल्ली के ही अपनी कुछ बातें करूंगा, दिल्ली के ही सौभाग्य को देखूंगा, कोई द्वारका एक्सप्रेस पे जा करके गाड़ी चलाता होगा तब उसको समझ में आता होगा कि सरकार क्या होती है और कैसे लोगों का काम होता है। NH-24 पे जाते होंगे, आज दिल्ली मेरठ तक चली गई है अध्यक्ष जी, आज लोग दिल्ली में मेरठ से काम करने आते हैं और 35 से 40 मिनट में पहुंचते हैं, तब हम सबको गर्व होना चाहिए। हमें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए जब हमें पता चलता है कि देश के 4,22,00,000 बेघर को पहली बार घर मिल गया। हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए अध्यक्ष जी जब 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन जाते हो, जब 52 करोड़ में गांव का आदमी हो। अध्यक्ष जी हमारी माँ पहले एक हमारी गांव में काम करती थी, उनके लिए हमसे एक बार वो 20,000 रुपया मांग के दी थी और एक दिन वही हमारी माई हमसे कहती है, ए मनोज तू जाना तला झूरी तिवारी के मेहरारू के उनके घर मिल गए, मोदी जी घर दिले बड़े। अध्यक्ष जी हम जानते हैं कि गांव में घरों में टॉयलेट न होने का क्या दंश होता था। हम लोग साइकिल से जाते थे तो सड़क पे खड़ी महिलाएं खड़ी हो जाती थीं। अगर उस दंश को किसी ने दूर किया, वो नरेंद्र मोदी जी वो सरकार, हम क्यों ना गर्व करें इस पे। 13 करोड़ घरों में नल से जल लगा दिए, हम दिल्ली में पाइप से घरों में गैस जा रही है, पाइप से गैस जा रही है और दिल्ली में एक बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार नल से जल तक नहीं दे पाई, हम ये भी दंश इसी दिल्ली में देख रहे हैं। अध्यक्ष जी कभी भारत मंडपम देखिए, मेरे विपक्ष के भी साथी लोग आप लोग जाइए, आप जब जाएंगे तो आपको गर्व होगा। आप कभी, हाँ दादा होता है होगा, आप कभी यशो भूमि को देखिए, आप कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंबेडकर स्टडी सेंटर को देखिए। इसी दिल्ली में जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंतिम क्रिया के लिए एक कट्ठा जमीन नहीं दिया गया, बुरा मत मानना नाराज मत होना, उसी दिल्ली के हृदय में नरेंद्र मोदी जी ने 5 एकड़ में बाबा साहब का स्टडी सेंटर बना के दिया है। ये होता है सम्मान संविधान के प्रति और संविधान के बनाने वालों के प्रति। मुझे बहुत वेदना के साथ TMC के एक हमारे सांसद मेरे प्रिय साथी, आज आपने एक्ट्रेस के नाम पे क्या दिया, क्या एक महिला को, आप देखो बुरा मत मानना हाथ जोड़ के, आपको ये बात इस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए कल्याणदाता, नहीं करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप कोई एक्ट्रेस को सिर्फ देखने वाली वस्तु महिलाओं को न समझा जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें गर्व इस बात का होना चाहिए। अध्यक्ष जी माफी चाहता हूं, अध्यक्ष जी मैं खत्म करूंगा, मुझे गर्व तब होना चाहिए जब इस दिल्ली में, अब इस देश में, नहीं हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, अगर आप दादा कोई बात नहीं दादा, अब इस देश में दादा ऐसा नहीं करना चाहिए, देश के 70 साल के बुजुर्गों को अब वृद्धाश्रम भेजने की आवश्यकता नहीं, खत्म करना। अध्यक्ष जी कभी
प्लीज 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 जी ओके प्लीज अजय जी प्लीज प्लीज नो अध्यक्ष जी हमको गर्व होता है वंदे भारत जैसी ट्रेन में बैठकर, हमको गर्व होता है जब 70 साल के बुजुर्ग को अब किसी वृद्धाश्रम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका इलाज कराने के लिए मोदी सरकार खड़ी रहेगी। हमें तब गर्व होता है अध्यक्ष जी, हमें गर्व होता न होना चाहिए जब भ्रष्टाचारियों पर नकेल हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं अपने सभी साथियों से कि हो सके तो, हाँ गाना तो गाते हैं दादा, हम आप सभी से प्रार्थना कर, अब आज जब यहाँ से हम निकलते हैं तो हमें अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाने का एक अभियान जो शुरू हुआ है उसमें साथ देना चाहिए। चलिए मिलकर के माँ के नाम से एक पेड़ लगाते हैं दादा, माँ के नाम से आप भी लगा दो कल्याण जी, माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। और मैं अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन के प्लीज नरेंद्र मोदी जी सरकार को प्लीज तीसरी बार अगर इस देश की जनता ने चुन के भेजा है अध्यक्ष जी, प्रसून जी अध्यक्ष जी प्लीज, मैं नो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश ने ऐसे ही नहीं चुना है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविना चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। नरेंद्र मोदी जी की भी आयु बढ़े, नरेंद्र मोदी जी के सरकार की भी आयु बढ़े, ये इस देश की जनता चाहती है। आपने हमें बोलने का मौका दिया, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत ही उत्तम मानता हूँ, बहुत समर्थन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ।